Hello, welcome back to my channel. I am Dr. Mandeep Kaur Pannu. आज जो मैं कनाडा जॉब ऑफर के बारे में और कनाडा स्पॉन्सरशिप के डिफरेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगी. मोस्टली नैनी का कोर्स के लिए हमें जॉब ऑफर की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चे उसको जॉब ऑफर की जगह उसे स्पॉन्सरशिप कह देते हैं. जबकि वो स्पॉन्सरशिप यूज़ होती है उसमें, मतलब टेक्निकली उसका वर्ड जो है, पहले तो हमें इस वीज़े के बारे में पता होना चाहिए कि नैनी वर्किंग वीज़ा है, ना कि ये टूरिस्ट वीज़ा है. तो ये वर्किंग वीज़ा है, तो यानी कि वर्क परमिट का. तो वर्क परमिट का जब भी वीज़ा आता है आपके पास, आप उसके लिए अप्लाई करते हो, तो आपको नीड है जॉब ऑफर की, यानी कि आपको कोई जॉब देने वाला है. अगर वो आपको कोई जॉब देने वाला है तो हम उसे कहते हैं जॉब ऑफर. अब ये आती है स्पॉन्सरशिप की, जिसमें हम आपको अंतर बता रहे हैं. स्पॉन्सरशिप ये है जब आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हो, तो वहाँ ये स्पॉन्सरशिप यूज़ होती है. स्पॉन्सरशिप में आता है कि अगर मैं कनाडा जाता हूँ या जाती हूँ, सो जा रहा है कि नहीं जा रही है, तो उसमें हमारे पास पैसा है, हमने होटल की बुकिंग भी करा ली, सारा कुछ, पर हमारा रिलेटिव है कनाडा में, हम उसके घर जा रहे हैं, उसके घर जाके हम स्टे करेंगे. अगर हमने होटल की बुकिंग नहीं कराई है तो हमारे पास पैसे हैं, पैसे हमारे पास होने के बाद बाई चांस हम ज़्यादा एक्सपेंस कर जाते हैं, तो वो फाइनेंशली हमारे रिलेटिव हमें सपोर्ट कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है स्पॉन्सरशिप. और नैनी का जो जॉब ऑफर होता है, नैनी का जो जॉब ऑफर है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जैसे मैं कनाडा में बैठी हूँ और मैं किसी को कह रही हूँ कि मुझे इंडिया से बंदा चाहिए और मैं हायर करने वाली हूँ, तो उसे मैं दे रही हूँ जॉब ऑफर. तो अब इसमें कितना अंतर आ गया और आपको भी समझ आ जाना चाहिए. अगर आपको इसमें भी थोड़े से डाउट हैं या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो आप मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल घंटी क्लिक करना ज़रूर करिए, उसे भूल ना जाइए. थैंक यू सो मच.